हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू 348 व्लॉग। सो भाई, ऑफ रोड के बाद आज बरसात का मौसम, और बरसात के मौसम में मैं घर से निकल आया और दुकान पे पहुंच गया। और भाई, थोड़ी सी देर में हम जाएंगे अभी बाइक की डिलीवरी के लिए। सो ये सरप्राइज़ था आप लोगों के लिए, बट बाइक मेरी नहीं है। सो फिलहाल चलेंगे, हम लोगों को जाना है अभी शोरूम। सो फिलहाल अभी मेहता मेरे को लेने आ रहा है, क्योंकि बारिश काफ़ी है तो बाइक पर तो जाएँगे नहीं, गाड़ी पे वो लेने आ रहा है। वहाँ से एक और बाइक लेके आएंगे। सो फिलहाल चलते हैं, पहले मेहता का वेट करते हैं, फिर चलेंगे सीधा अपना शोरूम एंड बाइक लेके आएंगे आज एक और। सर कैसी फीलिंग है? तो चलाई नहीं है, चलाएंगे। सो ये बाइक आ गई है भाई लोंडे की, है ना? फीलिंग तो तगड़ी तब होगी जब ये हर दिन इधर आना स्टार्ट होगी। तो भाई आ चुकी है, रेडी हो रही है, तो बस थोड़े से टाइम में मिल जाएगी। और बैटरी रेडी, अभी बैटरी डलेगी 2 मिनट उसमें, और बाइक रेडी लौंडे की। नहीं बढ़िया दे सर पाइए। सो भाई साहब, बाइक लेके आ गए हैं हम शोरूम से, एंड नाउ चलते हैं सीधा मार्केट। भाई साहब, नई बाइक में पावर थोड़ी सी डिफरेंट है, मतलब लग रहा है ऐसा। भाई साहब डैम बने हुए हैं, भाई सिटी ऊपर तक आ गई। सुपर 200T तो बहुत चलाई हमने, बट V4 टोटली न्यू मॉडल, बढ़िया है भी। भाई साहब वाइजर बंद कर रहा हो, तो फोग बन रही है सी, क्या बोलते हैं वाइजर पे। फिलहाल भाई पक्का डाला चलते हैं। ओ भाई, इतनी कौन सी बारिश हो गई, पानी का रंग लाल हो रखा है, और मेरा तो भाई पता नहीं लाल के साथ साथ में क्या ही रंग हो रखा है। ठंड लग रही है, तगड़ी ठंड बज रही है। नाउ वी लाइक ऑफ रोड। राइजर की जरूरत इसको नहीं है भाई उतनी, ये बिना राइजर के भी तगड़ी तगड़ी, मतलब काफी ऊपर है इसका। सुपर भाई, इस पे तगड़ा मजा आ रहा है, मतलब ये रोड इतना ऑफ रोड तो अपनी 200T भी कैपेबल है, मतलब इससे ज़्यादा के लिए कैपेबल है वो भी, और ये तो उससे भी ज़्यादा के लिए कैपेबल है ना भाई साहब। तगड़ा पानी भाई, भाई साहब अब पता नहीं वीडियो कैसी शूट हो रही है, क्योंकि बारिश चल रही है, गोप्रो की स्क्रीन पे पता नहीं कितना पानी भर रखा है, तो थोड़ा क्लीन करते हैं इसको। चलो भाई बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई तगड़ा सेकंड गियर में चल रही है इजीली। तो भाई अभी पहुंचे हैं हम पक्का डाला अपना पुलिस स्टेशन के पास, थर्ड पे चढ़ रही है अभी, अपनी भी चढ़ी जाती है बट ये थोड़ी पावरफुल है, स्प्रोकेट बड़ा है इसका, अपनी का स्प्रोकेट इससे थोड़ा छोटा है, तो उसकी वहाँ पे पावर थोड़ी सी कम पड़ती है, बट स्पीड भी बढ़ती है उससे। भाई खतरनाक, मजा आ रहा है खींचने का भी। सुपर भाई अपने मोहल्ले, सुपर
स्लोली स्लोली इस तरफ चलते हैं। फास्ट टैग बनाना सही है। तो भाई पहली बार उतर रही है डीजे सोकी, कैसे हो? पहली बार उतर रही है ये इस रोड से, तो इस बाइक पे हम इसके बाद का अगला एक ऑफ रोड बनाएंगे तगड़ा, दोनों एक्सपल्स जाएंगे उस पर, बट ये वाली राइड करेंगे हम। फर्स्ट टाइम का सांकड़ा उतरेगी आज ये, आज क्या उतरेगी, आज ही आई है। विट्स एंड वाइट्स भाई, मजा आता है ये बाइक चलाने में, पर छिटियां मारती हैं भाई बहुत ज्यादा ये। हाँ भाई थोड़ा आप भगा के चेक करते हैं ना। पावर आज पर आज नहीं मॉर्निंग पर मोर चली जाएगी ये। लेगी सस्पेंशन की क्वालिटी बता नहीं दोस्त। इतने मेरी वाली सस्पेंशन थोड़ी और ही आंदी सिर पर, मतलब अपग्रेड होनी चाहिए थी इतनी। चल इतक तू जाना। सो भाई अब इधर से मेहता ड्राइव करेगा बिल्कुल आराम से। गुड 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 वेरी गुड, ब्रेकिंग थोड़ा आराम करने, गियर इतना जोर करने नहीं करने, बस आराम करने, कोई दिक्कत नहीं। चल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई साहब। ना वो ड्राइव मेहता कर रहा है एंड प्रॉपर अपनी साइड, बस बाकी कुछ नहीं होता। क्लास पकड़ी के नहीं रखना, टू फिंगर रख उसे ऊपर रख, बस यहाँ पर पकड़ी के नहीं टपने दे अपनी साइड भाई। ना मेहता ड्राइव कर रहा है एंड मैं पीछे बैठा हूँ। शिफ्ट कर ले गियर, शिफ्ट कर ले, तीसरा तीसरा कर, दूसरे पर है। हाँ बट थोड़ा सा टाइम लगना तेरे गियर हो होंगे, बट मतलब तीजो प्रॉपर हो होंगे, बाकी कुछ नहीं है। शिफ्ट तेरे से देते टोटल दे, कुछ नहीं होता, एकदम नहीं देना, वेली बजी नहीं बजी, मैं पी जाना थले। भाई साहब चल रहे हम स्लोली स्लोली। गुड 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 शिफ्ट मार, नर्वस नहीं होने का, सबका पहले था पावर ठीक है गाड़ी में। हाँ भाई ये उससे ज़्यादा पावरफुल है, वो थोड़ी फास्ट है सिर्फ स्प्रोकेट की वजह से, उसका स्प्रोकेट छोटा है तो इसकी पावर ज़्यादा है भाई। स्प्रोकेट की क्या अभी मैं आपको डिटेल समझाऊँ, जिन जिनको पता है उनको पता है, बाकी कभी डिटेल में बात करेंगे, डिटेल्स में इतनी इतनी सी डिटेल्स सभी यहाँ से लेके यहाँ तक उसके बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल मेरे को रोड पे भी ध्यान देना है और थोड़ा सा इसकी ड्राइविंग पे भी और थोड़ा सा अपने पे भी भाई। धुंध तगड़ी और सीन ऐसा है ना कि ये जहाँ तक दिख रहा है इसके बैक साइड मतलब दूसरी तरफ अभी दिख नहीं पा रहा है, घर वाली तरफ से दिखेगा तगड़ा, स्नोफॉल हो चुका है तगड़ा और बर्फ खींच 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 पत्थर बुंदे इतने का। भाई साहब ये पुल का वो उस वाली तरफ का वेस भी बन गया है, ये बेचारा बेचारा हर बार बह जाता था, हर बार बह जाता था। तू अगे दिख मैं दिख लेता वीडियो पर दिखा तू, पार स्लिपरी चढ़ा लेंगे ना इजीली। भाई तगड़ी स्लिपरी है इधर, नर्वस नहीं होना है। हाँ कर ले मैं चढ़ाऊँ, तू पार कैसे चला रहे
बिल्कुल साइड 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 जितने टायर है पर चल टायर बिल्कुल होगा ना चिड़ियानी थ्रोटल बिल्कुल थोड़ा आराम करने एकदम बढ़ाना नहीं एकदम घटाना नहीं ओके भाई ये पुल भी बन चुका है कीचड़ पर कहता ना एकदम थ्रोटल बनना तभी स्किड करना ब्रेक लगनी तभी स्किड करना हाँ बस थोड़ा जा वो है बाकी कुछ नहीं है ओ भाई हरदासपुरा तक आए थे हम ना इधर से मैं राइड कर रहा हूँ और भाई एक एक बंदे की बदौलत लाइन लगी है आगे एक आई टेन वाला है इतनी खुली जगह पे उस पर उससे गाड़ी नहीं निकल रही है तो भाई इंडिकेटर तो दे लो यार चल रहे सीधे वैन पहुंच ही ऊपर का अगले बंदे ने बहसा करता गदों की कमी नहीं है भाई चंबा में मतलब भर भर के पड़े हैं एक तो गलती करो ऊपर से हाँ ਉਹ ਫਰੋੜੇ ਸਿਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਵਰ ਗਮਾਕੇ ਮਾਰਦੇ ਚੱਲਣਾ ਸੌਕਰ ਜੋ ਜਬਾ ਜੜਾਕ ਤਾਂ ਵੱਜਦਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਚਲਾਓ ਭਾਈ ਇਧਰ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਇਹ इसके लिए बनी है भाई ये जहां मर्जी जैसे मर्जी कंट्रोल क्या तगड़ा फील दे रही है नाड़ा है भाई फिर से हम पहुंच चुके हैं अपनी वापस अपनी जगह पे